रशीदा जी बाजी, मेरे कमरे में कोई आया था? आया तो कोई नहीं था, हाँ सब लोग बाहर चले गए। मतलब राशिद साहब और इफ्रा बाजी सब बाहर गए हैं। कहाँ? इफ्रा बाजी कह रही थी कि वो अपने मायके जा रही है राशिद साहब के साथ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी नहीं, राशिद को मेरी जरा भी परवाह नहीं, काम से आया और इफ्रा को लेकर निकल गया। मैं अपने कमरे में थी, मेरे कमरे में आया तक नहीं, मेरा हाल नहीं पूछा और बीवी को लेकर उसके माँ बाप के घर चला गया। हेलो, हाँ नादरा। नादरा, मैं बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में लेटी रही, राशिद अपने काम से आया, मेरे कमरे में आए बगैर, मेरा हाल पूछे बगैर अपनी बीवी को लेकर उसके माँ बाप से मिलने चला गया। मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। क्या हो गया तुम्हें? हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अरे मुझे परवाह है, फिक्र कर तो रहा हूँ तुम्हारी। चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यहीं पड़ा मरने दे, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे मरने दूं, क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे अरे मुख्तार साहब, आपने अपनी भतीजी की चालाकियां देखी हैं? अरे कैसे बेटे का दिल माँ की तरफ से खट्टा कर रही है वो। अरे उसने ऑफिस से आकर बीमार माँ का हाल तक नहीं पूछा और उसे दरवाजे से ही लेकर चली गई, निकल गई। उसने कमरे में आकर झांका तक नहीं कि माँ दर्द से मरी जा रही है, मरी जा रही है। ये तो बहुत बुरा किया उसने, तुम्हारा हाल पूछना चाहिए था उसे। वो आते तो मैं पूछता हूँ उससे। तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास तो चले। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मुझे यहीं मरने दे मुख्तार साहब। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो यार? क्या हो गया? क्या हुआ? खैरियत है अम्मी? कहाँ थे तुम? मैं वो इफ्रा के साथ चाचा के घर था। तुम्हें पहले अपनी माँ की खबरगिरी करनी चाहिए था कि वो किस हाल में। वो इफ्रा ने मुझे बताया था कि अम्मी ने दवा खा ली और वो सो रही है। देख लिया आपने? अरे देख लिया आपने अपनी भतीजी की चालाकियां, किस तरह मेरे बच्चे को माँ से दूर कर रही है वो। अम्मा मैं भी देख के गया था, आप सो रही थी, मुझे लगा सुकून में। खैर फिर भी तुम्हें माँ का ख्याल करना चाहिए, माँ से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। तो अम्मा उठे हैं, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो जान के? राशिद भी आ गया है, तुम्हारी बात भी मान रहा है और तुम बच्चों की तरह अटक गई हो एक जगह पे। नहीं, मैंने कहा ना नहीं जाना, मुझे ऐसे ही मरने दे। ओहो उठे ना चलें, वरना उठा के ले जाऊंगा आपको। एक काम करो, तुम डॉक्टर को यहीं ले आओ, वो चेकअप कर लेगा। लेके आता हूँ मैडम। हाय मेरा सर, डॉक्टर। चाय बनवाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाय मुख्तार साहब, हाय मेरा सर, डॉक्टर। हाय हाय हाय। कैसी तबीयत है तुम्हारी की? अच्छी भली तो थी, जैसे बड़े साहब आए तो ये ड्रामा शुरू कर दिया। क्यों गलत बात कर रही? हो सकता वाकई सर में दर्द हो। वैसे पहले कभी होता था क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, आज ही हुआ है, वो भी शाम के वक्त जब बड़े साहब आए थे।
अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं जाके तबीयत का पूछ लूंगी। आप ना ही जाए इफ्रा बाजी तो बेहतर है, वो सारा इल्जाम आप ही को तो दे रही है। तुम जाके अपना काम करो, मैं कर लूंगी जो मुझे करना है। ब्लड प्रेशर तो इनका नॉर्मल है। फीवर भी नहीं है। शुक्र। हो सकता है माइग्रेन अटैक हो। मैं भी इन्हें पेन किलर लगा देती हूँ। दिमाग का चेकअप बहुत जरूरी है। कल सुबह जाके आप न्यूरो सर्जन से मिल लें। हो सकता है ट्यूमर या नहीं नहीं कोई ट्यूमर नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा मिसेज मुख्तार। आप पेन किलर लगवा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, आ जाएगा आराम मेरे। छोड़ दें आप, छोड़ दें। क्या हो गया नरगिस, दर्द से तकलीफ में इतना परेशान हो रही है? तो लगवा लो, आराम आ जाएगा। राशिद लगवाओ। नहीं राशिद मुझे नहीं। ओहो क्या हो गया माँ? बस 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 पतली सी सुई है, लो बस इतना सा काम था, ये भी लगा दे। नहीं छोड़।